वो टाइम फंड में नहीं लेता, वो अंग्रेज था। उसने कहा इल्मुद्दीन तुमने गुस्ताख को कत्ल करके कानून हाथ में लिया, तुमने तौहीने अदालत की है। इल्मुद्दीन जवाब देता है जज साहब जब आपसे तौहीने अदालत बर्दाश्त नहीं होती तो मुसलमान तौहीने रिसालत कैसे बर्दाश्त कर सकता है। उस्ताने जीवकार उस इल्मुद्दीन और हमारी एज को देखिए, एक ही एज फैक्टर है। दुनिया आज बड़े बड़े गवर्नरों को भूल जाती है, याद रहता है तो 8000 कमाने वाला एलीट फोर्स का सिपाही याद रहता है। क्यों? क्योंकि की मोहम्मद से वफा, तू ने तो हम तेरे। बात यह है दोस्ताने जीवकार, आज जो आके हमें यह दर्श देते हैं कि कॉलेटरल डैमेज होगा, ये नौजवानों अभी आपको नहीं समझ आएगी, जब आप यूनिवर्सिटीज में जाएंगे ना, ये प्रोफेसर हूद भाई टाइप के और कई ऐसे प्रोफेसर साहेबान जो कि ना मर्दों में आते हैं ना औरतों में आते हैं, वो आपको नजर आएंगे यूनिवर्सिटीज में पढ़ाते हुए। वो आके आपको बोलेंगे जनाब अली ये तो जो जिहाद की बातें करते हैं तो सारे बेवकूफ हैं, पाकिस्तान को नुकसान हो जाएगा, हम बहुत पीछे चले जाएंगे। भाई अगर इसके अलावा कोई हल है तो बता दीजिए। 70 सालों से हम बयानात दे आ रहे हैं कि मुजम्मत करते हैं, इजहार यकजहती करते हैं, फिर ट्वीट भी की, पूरा एक बंदा हमने रखा 2-3 साल के लिए कि भाई जान ऐसी ट्वीट करो कि कश्मीर मोदी लाके आपके कदमों में रख दे, फिर बेचारे को भेज दिया कि तुम्हारी ट्वीटों से भी कुछ नहीं बना। माजरत के साथ दोस्ताने जी बकार, ट्वीट करने से कश्मीर आजाद होना होता तो बैतुल मकदस कब का आजाद हो चुका होता। ट्वीट करने से कश्मीर आजाद होना होता तो रसूलुल्लाह 27 गज़वात में हिस्सा ना लेते, तुम्हारे अकवाम मुत्तहिदा की करारदादों से कश्मीर आजाद होना होता तो सैयदना खालिद बिन वलीद के जिस्म के हर हिस्से पे परछाइयां ना पड़ी होती। तुम्हारी ट्वीट और बयानात से, तुम्हारी मजम्मतों से कश्मीर आजाद होना होता तो हजूर अकरम अलैहिस्सलाम खुद तलवार उठा के मैदान में ना जाते, एक दांत मुबारक रसूलुल्लाह के शहीद होता तो काफी था, एक सहाबी रसूल शहीद होते तो काफी था। क्यों जिहाद पे बार बार गौर दिया गया? आज हमें आके सबसे बड़ा जो फितना हमारे अंदर डाला गया 1857 की जंग आजादी के बाद, वो ये डाला गया कि जनाब जिहाद बिन नफ्स बहुत बेहतर है, जो ये जिहाद बिन सैफ है ये बॉर्डर वाला ये तो वैसे ही है, ये तो बेवकूफ लोगों का काम है। दोस्ताने जी वकार, ये फितना मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी मलून की जानिब से डाला गया था। आज जहां कादियानियत के रद्द की बात करते हो, जहां खत्म नबूवत की बात करते हो, जो करारा किस्म का थप्पड़ कादियानी के मुंह पे पड़ता है उसके साथ साथ अल जिहाद लब्बैक लब्बैक की सदा भी बुलंद करो, दूसरी गाल पे वो थप्पड़ पड़ेगा उसको। ताजदारे खत्मे नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद, ताजदारे खत्मे नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद, अल जिहाद लब्बैक लब्बैक, अल जिहाद अल जिहाद लब्बैक लब्बैक। मैं हिंदुस्तान से कहता हूँ कि अब तक तुम हमारे मदारिस दिखाया करते थे, अब तक तुम हमारी मसाजिद दिखाया करते थे कि जिहाद की आवाज आती है, ये मौलाने तो दहशतगर्दी की तरफ लेके जा रहे हैं। अब देख लो पाकिस्तान के स्कूल्स कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज के नौजवान बैठे हैं, ये भी यही सदा बुलंद कर रहे हैं, अल जिहाद अल जिहाद लब्बैक लब्बैक, अल जिहाद अल जिहाद लब्बैक लब्बैक। दोस्ताने जी वकार।